Alright, assalamu alaikum and welcome to the fifth video of Microsoft Word, the easiest, smartest and free way to learn. Last video में हमने देखा कि हम किस तरीके से clipboard के section को use कर सकते हैं and उससे पहले हमने font के section को learn किया था. आज की इस video में हम देखेंगे कि हम अपने paragraph को complete किस तरीके से manage कर सकते हैं. तो let's begin. यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं पैराग्राफ के अंदर जो कि आपको हेल्प दे रहे होते हैं कि आप किस तरीके से अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो. यहाँ पर मेरे पास ये कंप्लीट पैराग्राफ मौजूद है. इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ. सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसको मैं मिड में लेकर आ जाऊँ, तो ये मेरे पास कम्प्लीट पैराग्राफ मिड में आ गया है. मैं इसे कहता हूँ कि ये अलाइन लेफ्ट पे हो जाए, तो ये अलाइन लेफ्ट पे चला गया है. एंड जस्टिफाई का मतलब ये कि आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं कि पेज के स्टार्टिंग का पॉइंट, राइटिंग का एंड एंडिंग का पॉइंट, वहाँ पर ये आपके पास जस्टिफाई का टेक्स्ट मिल जाता है. तो आप ये देख सकते हैं जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसकी अलाइनमेंट आपको शो करवा रहा हूँ. ठीक है, अब जब मैं अपने इस टेक्स्ट को पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको इसकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाए. फॉर सपोज़ कि आप में डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी आप स्टोरी लिख रहे हो, तो इस स्टोरी को आप यहाँ पर हेडिंग देना चाह रहे हो, दैट इज़ माई स्टोरी. अब जब माई स्टोरी आप लिखोगे तो यहाँ पर अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मिड में आ जाए एंड मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए या फिर साथ में ये बोल्ड हो जाए. एंड मैं इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ. मैं यहाँ से अपना कोई भी राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो ये मेरे पास बीच में सेंटर में आ गया. या फिर अगर आपने कभी किसी को कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना है अपना, तो कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए आप कोई रिज्यूमे लिख रहे हो, उस रिज्यूमे के अंदर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहे हो, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो 0333. जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पेज के टॉप राइट पे नज़र आए, तो इस तरीके से आपको पेज टॉप राइट पे नज़र आ रहा है. अलाइनमेंट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है. एक काम जो कि बहुत से लोग करते हैं, वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आपके पास ये अलाइनमेंट लेफ्ट मौजूद है एंड आप टैब स्पेस टैब 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 प्रेस करके इसको इस तरीके से कर रहे हैं. ये मेरी ज़बान में जाली काम कहलाता है, जो कि एक सही वे नहीं होता. या फिर आप यहाँ पर बहुत सारे स्पेस बार क्लिक कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं कीजिएगा. आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसे कम्प्लीटली अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो ये आपने देख लिया कि आप किस तरीके से पैराग्राफ की अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हो. उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन मौजूद है. मैं यहाँ पर अपने इस एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, इसमें जो फॉर्मेटिंग है उसे मैं क्लियर कर देता हूँ. लाइन एंड स्पेसिंग की बात हम करना चाह रहे थे. अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी जो मेरे पास ऑटोमेटिकली इसकी एक लाइन आ रही है, जो कि अब मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, जो मेरे पैराग्राफ्स के बीच की लाइन है, मतलब एक लाइन ख़त्म हो दूसरी लाइन जब स्टार्ट हो तो उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए. नॉर्मल स्पेस आपके पास जितना है, अगर आप उससे कम करना चाहते हो या आप उससे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो. या फिर आप कह दो कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जबकि हम पैराग्राफ के बाद में स्पेस ज़रूर रखते हैं. या फिर आप अपने हिसाब से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जाकर आपने जो लेफ्ट से उसको लाइन देनी है, जो राइट से उसको देनी है, वो आप देकर इसे ओके कर लीजिए. तो ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर इसे लाइनिंग स्पेस दे दी है. मैं कंट्रोल जेड दबाकर इसे अंडू कर देता हूँ. ये आपके पास लाइनिंग स्पेसिंग का ऑप्शन मौजूद है. एंड व्हाट इज दिस, ये आपके पास है बेसिकली शेडिंग. कुछ आपको सिमिलर सा नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर शेडिंग का ऑप्शन मौजूद है, तो हमने कुछ यहाँ पर भी देखा था जो कि टेक्स्ट हाईलाइटर था. शेडिंग आपको बेसिकली बैकग्राउंड कलर दे रखा होता है हकीकत में, एंड ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है टेबल्स की फॉर्म में. लेकिन अगर आप इसको बिना टेबल के फॉर्म में भी इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो. ये आपके पास एक बैकग्राउंड कलर की फॉर्म में इस्तेमाल हो रखा होता है. मैं यहाँ पर इसे कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ. बैकग्राउंड कलर देने के बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि हम टेक्स्ट पे हाइलाइटर जब इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ फॉर्मेटिंग. एंड यस, शेडिंग इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग. जब मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो मेरे पास वो शेडिंग यहाँ से डिलीट हो जाएगी. तो ये आपके पास शेडिंग का ऑप्शन था, जिसमें आप अपने डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल करना चाहो तो आप कर सकते हो. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये बॉर्डर्स का ऑप्शन मौजूद है, जिसे हम इंसर्ट में जाकर टेबल की फॉर्म जब हम पढ़ेंगे, टेबल्स पढ़ेंगे, तो उसमें इसे कवर करेंगे.
साथ ही हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं बुलेट्स के एंड नंबरिंग के, हमारे पास लिस्टिंग की बेसिकली ऑप्शन मौजूद हैं। मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में तमाम जितने भी जितना टेक्स्ट है इसे कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करता हूँ एंड डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लिस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। लिस्टिंग आपके पास यहाँ पर, आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉर सपोज आप कुछ भी लिखना चाह रहे हो, आप अपनी हॉबीज़ लिखना चाह रहे हो, आपको कहा कि अपनी हॉबीज़ लिखिए, तो आप कहते हैं मूवीज़ आपकी हॉबीज़ है एंड क्रिकेट आपकी हॉबी है एंड आपकी हॉबी जो है वो बास्केटबॉल है एंड आपकी हॉबीज़ जो है वो कार्स में है, स्पोर्ट्स में है, कुछ भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हॉबीज़ का जो वर्ड है उसे मैंने यूज़ किया है एक हेडिंग की फॉर्म पे, तो मैं इसे क्लिक करके एक हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कैपिटल कर दिया, इसे मैंने बोल्ड कर दिया एंड अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे लिस्टिंग की फॉर्म में नज़र आए। लिस्टिंग की फॉर्म आपके पास तीन तरह की लिस्ट होती हैं, एक आपके पास होती है अनकाउंटेड लिस्ट जो कि बुलेट फॉर्म में नज़र आती है, एक होती है काउंटेड लिस्ट जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में नज़र आती है एंड एक होती है मल्टी लेवल लिस्ट जो कि दोनों का मिक्सचर होती है। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले यहाँ पर बुलेट्स मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बुलेट्स की फॉर्म में नज़र आए, तो जिस तरह की आप बुलेट्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वैसे ही आप, ये अनकाउंटेड इसलिए होती है क्योंकि आप इसे काउंट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। मैं कहता हूँ कि हॉबीज़ के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ एंड मुझे फूड में क्या पसंद है उसके बारे में मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, या मैंने फूड लिखा, मैं इस हॉबी की हेडिंग को फॉर्मेट पेंटर पे जाकर फूड पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सेम चीज़ हो गई। मैं इसे ही ऐसे कॉपी करूँगा तो सेम एड्रेस मेरे पास ही आ जाएगा। अब मुझे फूड में बताना है कि भाई मुझे फूड में क्या पसंद है। हम सबसे ज़्यादा जो चल रहा होता है, हर किसी को जो पसंद होता है, दैट इज़ चिकन, कि भाई मैं चिकन तंदूरी या चिकन कोई भी फ्राई वगैरह जो खाना चाहता हूँ। फूड आपने क्या लिख दिया है यहाँ पर, फूड में आपको क्या पसंद है, राइसेस अगर आपको पसंद है, वेजिटेबल आपको पसंद है, तो यहाँ पर मैंने तीन फूड्स के नाम लिख दिए कि फूड में खाने मुझे क्या क्या पसंद है। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास न्यूमेरिक्स आ रहे हैं। न्यूमेरिक्स आप काउंटिंग भी दे सकते हो, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक भी दे सकते हो, या फिर आप नंबर अलाइनमेंट को इस्तेमाल करके रोमन नंबर्स जो आपके पास होते हैं उन्हें भी न्यूमेरिक्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर कह दिया कि मैं 1 2 3 ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको मैंने बता दिया कि ये आपके पास बेसिकली अनकाउंटेबल लिस्ट है, अनकाउंटेबल आप कह सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट, या ये ऑर्डर्ड लिस्ट आपके पास मौजूद है एंड ये आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट मौजूद है, जिसमें आप इसको जब मैं क्लिक मैंने आपके सामने किया तो आप देख सकते हो कि इसमें नंबर भी नज़र आ रहे हैं, लेटर भी नज़र आ रहे हैं, सबका मिक्सचर नज़र आ रहा है। अब वो किस तरीके से, समहाउ आपके पास, आपको कहा जाता है कि आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में लिखें। फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि आप किसी भी दो एक्टर्स के बारे में लिखिए, तो आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज फेवरेट एक्टर्स एंड उस फेवरेट एक्टर्स के टॉपिक में जहाँ पर आपने इसको, तो एक हेडिंग बना लिया आपने, कहा कि हाँ ये फेवरेट एक्टर्स हैं। फेवरेट एक्टर्स के अंदर हमने आपको ऑप्शन दिए कि आप दो एक्टर्स के बारे में लिखें, तो उन दो एक्टर्स में सबसे पहले आपने नाम जो है अपने एक्टर्स के लिख दिए। फॉर सपोज आपने लिख दिया कि एक मैं लिखना चाह रहा हूँ शाहरुख खान, या फिर एक मैं लिखना चाह रहा हूँ सलमान खान। ओके, तो ये दो एक्टर्स के आपने नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद अब मैं कहता हूँ कि भाई मैंने, मुझसे दो एक्टर्स के नाम मांगे गए थे, तो हेडिंग के अंदर दो ही आने चाहिए, जाहिर सी बात है। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक सलमान खान साहब आ रहे हैं, एक शाहरुख खान साहब आ रहे हैं। अब दो दो एक्टर्स की आपने कोई तीन तीन खूबियाँ बतानी हैं, या दो एक्टर्स के बारे में आपको जो अच्छा लगता है वो बताना है। अब अगर मैंने एक स्पेसिफिक कह दिया कि तीन खूबियाँ बतानी हैं, तो जब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा बैक स्पेस देकर, मुझे कोई भी तीन खूबियाँ लिखनी पड़ेंगी। पहले मैंने फॉर सपोज कह दिया कि ही इज़ अ गुड लुकिंग, या फिर ही इज़ चार्मिंग एंड ही इज़ अ गुड एक्टर, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक और न्यूमेरिक लिस्ट दूंगा जो मैं अलग तरीके से दूंगा, सेम एडिटिव अगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके पास 1 और 7 में जो ब्रैकेट आ रखा है वो ऑलरेडी ऊपर इस्तेमाल हो चुका है, तो मैं इसे नंबर की फॉर्म में देख सकता हूँ इस तरीके से, या फिर मैं डॉटेड फॉर्म में देख सकता हूँ इस तरीके से।
ये आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट है। लेकिन अगर आपको कहा गया भाई आप ऐसी कोई भी खूबियाँ जो आपको समझ में आ रही हैं उस सेक्टर के बारे में वो लिखें, तो मैं कहता हूँ कि भाई शाहरुख खान के साहब के बारे में जो है वो मुझे ये पसंद है कि ये कोई यूनिक मूवी बना रहे होते हैं, या फिर उसके अलावा जो है ही इज़ स्टिल यंग एंड ही हैज़ अ गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, अगर मैंने कह दिया। तो ये अब मैं इस फॉर्म को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बुलेट्स ले लूँगा। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट आपके पास हो गई कि भाई फेवरेट एक्टर्स के अंदर मैंने दो लिस्टिंग इस्तेमाल की, दैट इज़ नोमैरिक लिस्ट, एंड इसके अंदर ही आपके पास एक और नोमैरिक लिस्ट आ गया जो कि गुड लुकिंग चार्मिंग एक्टर आ गया, एंड इसके अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट दे दी जिसको आप काउंट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, जो कि बुलेट्स की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास था बुलेट्स। आप तीन तरह की इस्तेमाल कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक आपके पास ऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर लिस्ट है, एंड एक आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट है। तो आपकी वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, किसी ऐसे शख्स को जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है उसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।